राजस्थान के करौली से शुरू होकर यह नफरत राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा का गुजरना, उसके बाद किसी बात को लेकर झगड़ा होना और फिर दंगा शुरू हो जाना, पत्थर एक दूसरे पर चलना, आखिर करौली खरगोन से लेकर दिल्ली तक हिंसा का यह पैटर्न कहता क्या है? सवाल यह भी है कि जब देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं तो फिर दिल्ली में ज्यादा सावधानी क्यों नहीं बरती जाती है? सवाल जहांगीरपुरी की हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक समुदाय के आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है? सवाल यह भी कि दंगे के आरोप में गिरफ्तार बदमाशों को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है? जैसे असद ओवैसी कह रहे हैं कि जिस अंसार पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो अंसार गिरफ्तारी के बाद भी अपनी अकड़ दिखा रहा है, जो खुद कहता है कि मैं कसूरवार हूं, उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं क्लीन चिट देते हुए। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द कि तेरा मेरा क्या, जिसने भारत को तोड़ा उसको अब तोड़ने का वक्त आ गया है, और वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो। आज इस पर भरे हुंकार, उससे पहले आप देख लीजिए अब तक हुआ क्या क्या। इक्कीस लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनकी पूछताछ हुई है, कुछ लोगों को रिमांड पे लिया गया है। सोशल मीडिया पे गलत समाचार या गलत फैक्ट्स दिए जाते हैं या उत्तेजित किया जाता है लोगों को, उनका भी एनालिसिस चल रहा है। जो लोग गलत चीज़ें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये सामान्य हमला नहीं, ये आतंकवादी हमला है। आखिर क्यों रोहिंग्याओं को 5.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की अनुमति मिल जाती है? क्यों उनकी झुग्गी झोपड़ियों में खुद आग लगाकर उनको दिल्ली सरकार एक विशाल स्वरूप दे देती है? आज केजरीवाल आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन गया है। जेहादी मानसिकता निश्चित तौर पर जिम्मेदार। 14 के 14 को पकड़ लिया और एक लड़का अंसार, उसका वीडियो है क्या? कमिश्नर पुलिस नहीं देखते क्या? अमित शाह नहीं देखते क्या? इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहाँ पर मिल कर रहे थे, भारत हमारा वतन है, उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। सिर्फ इस मुद्दे पर अरविंद जी केजरीवाल जी राजनीति करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्रियों के साथ उसके उसके फोटो आए हुए हैं। जो बीजेपी है ये पुलिस उसके अंडर में आती है, बीजेपी को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से लागू करना चाहिए, उनको दंगों को रोकना चाहिए, दंगे करवाने वाले खुद हैं और दंगों के बारे में बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए, जो भी आरोपी उनको ना 10 गुना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।